देखें, वन रियाल, वन रियाल शॉप इन मदीना, और आप कुछ भी बाय कर सकते हो वन रियाल में। इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, यहाँ की मेडिसन बहुत अच्छी हैं, ठीक है। अभी तो बंगाली मार्केट ये पीछे बेसमेंट में थी, अभी तो ये रोड पे आप चेक करना, माशाल्लाह मंजर चेक करें यार, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये सारी मार्केट आ गई, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे रेट कम होते जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मिर्ज़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक बंगाली मार्केट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो इस वक्त मैं मस्जिद नबी में मौजूद हूं और गेट नंबर 339 से बाहर निकल रहा हूं, ठीक है। और मेरे सामने बिल्कुल एक मार्केट मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं ज़रा भी रिकमेंड नहीं करता कि मतलब कि यहाँ से बाय कीजिए। ये गेट नंबर आपके सामने 339, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्केट मौजूद है, गोल्ड की मौजूद है, स्टारबक्स से कॉफ़ी यार यहाँ से लाजमी पियो, मज़ा आ जाएगा। कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी तो लाजमी। अच्छा जी, ये जो मार्केट है भाई लोग, ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं प्रेफर नहीं करता कि मतलब कि आप यहाँ से बाय करो, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें मना भी नहीं किया जाएगा, आप बाय कर सकते हैं यहाँ से ना चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो मुझे जो बंगाली मार्केट पता चली है, जहाँ पे मेरा रूम है, अपार्टमेंट है, वो सॉरी होटल का रूम है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, मेन चीज़ ये है कि फार्मेसी यहाँ से मेडिसिन आप लेके जाएं। इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, यहाँ की मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं वैसे प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ से कुछ बाय किया जाए, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने जाना है सीधा स्ट्रेट, ठीक है। ये मैंने रोड क्रॉस करनी है, तो मेरा तो यार बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहा है मस्जिद नबी का, उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, और एक म्यूज़ियम भी यहाँ पर मौजूद है, वो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और जिन चीज़ों की मालूमात हमें नहीं है वो उस म्यूज़ियम के ज़रिए हमें मिल सकती है। और ये है कि ईमान भी ताज़ा होता है, सबसे मेन चीज़ ये है। और मैं खुद रिकमेंड करूंगा, जितनी भी ज़्यारतें हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, सारों पे ही जाना चाहिए, और उससे पहले आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। जब आपके पास उस चीज़ का नॉलेज होगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे ज़्यारतों पे जाना, इबादत का। तो ये माशाल्लाह ये रोड है सामने, ठीक है, और ये सारे होटल्स हैं, ये सारे के सारे होटल्स हैं, और आई थिंक ये तो मोस्ट एक्सपेंसिव हो गई। यहीं करीब ही मैंने एक होटल लिया था, 1500 रियाल टू नाइट स्टे का था, और यकीन माने बुफे था टोटली, मॉर्निंग में यानी ब्रेकफास्ट में टोटली बुफे था, जो आपका दिल करता है खाएं, चाइनीज़, पाकिस्तानी, इंडियन फूड अवेलेबल था, और बड़ा मज़ा आया था। तो अभी ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो बेसिकली बेसमेंट है, ठीक है, जो कि बेसमेंट से होते हुए हम रोड क्रॉस करेंगे, और जो बेसमेंट है वो बेसमेंट के अंदर मार्केट है बंगाली, ठीक है। जो मुझे बताया गया है मतलब कि इसको बंगाली मार्केट ही कहा जाता है, और जो माजूर अफराद हैं, जो स्पेशल लोग हैं, ठीक है, उनके लिए उन्होंने लिफ्ट लगाई हुई है कि आप अगर व्हीलचेयर पे किसी को लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोड क्रॉस करके लेके जा सकते हैं। और कुछ पाकिस्तानी या इंडियंस होते हैं जो मतलब कि प्रेफर भी यही करते हैं कि मतलब कि इस साइड पे मैं होटल लूँ बेसमेंट से दूसरी साइड पे, ताकि वो इजीली मूव कर सके। मे बी कि दूसरी साइड पे अगर मस्जिद नबी के गेट नंबर 4 या 5 के करीब जाएँ, जो कि दूसरी साइड बन जाती है, जहाँ पे सब्ज़ गुम्बद मौजूद है माशाल्लाह, उसके अपोजिट मे बी कोई बेसमेंट वगैरह हो, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यह कि एक्सप्लोर करेंगे, दैन वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड की जाएगी। तो ये मैं बेसमेंट में आ गए, ठीक है। तो ये माशाल्लाह मार्केट है,
ये आपके सामने है। ठीक है, मज़े की बात क्या है, इन्होंने तो यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ कितने रियाल, ये देखें वन रियाल शॉप इन मदीना, और आप कुछ भी बाय कर सकते हो 1 रियाल में। ये टोपी मौजूद हैं माशाल्लाह, ये तस्वीरें मौजूद हैं, ये चूड़ियाँ, कंगन, ये माशाल्लाह 1 रियाल शॉप थी। तो अब हम जाएंगे, ये आई थिंक इन्होंने नहीं लिखा हुआ, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, कोई रेट शेट होंगे। भाई आपने भी कोई डील शील निकाली हुई है? डील शील निकाली हुई है कोई, जैसे पीछे 1 रियाल है, आपने भी कोई निकाला हुआ है? नहीं। तो हर एक चीज़ की सेपरेट प्राइसेस है? अच्छा, यानी कि ये भाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि डिस्काउंट वगैरह भाई कर देंगे। बहुत प्यारे लगे हैं मुझे भाई, मुझे लग रहा है ये बंगाली हैं। अच्छा, इस मार्केट को क्या कहा जाता है, बंगाली मार्केट? हाँ, बंगाली मार्केट है। नहीं, स्पेशल नाम होगा कोई, वो तो दूसरी साइड पे भी है बंगाली मार्केट, इधर क्या कहा जाता है, बेसमेंट में बंगाली मार्केट। किस 22 नंबर गेट से? अच्छा, ये आप चीज़ें देख लें, घड़ी वगैरह किसी ने लेनी हो यहाँ से ले सकते हैं, क्वालिटी अच्छी है माशाल्लाह। तो ये जैनमास कितने का है? ये जैनमास, ये वाला, ये 15 रुपये, 15 रियाल। तो उसके बाद ये बुरखे वगैरह मौजूद हैं, अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है ये भाई, यार मैंने यहाँ पे देखी थी एक, और वो थी ये वॉचेस वगैरह, अच्छा। उसके बाद हम आ जाते, उन्होंने तो वीडियो बनाने दी, ये खजूर वगैरह भी मौजूद है, अच्छी खजूर है यहाँ। और ये हमारे पास आ जाती है 2 रियाल में, आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हो। ठीक हो गया, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर। ये थी छोटी सी मार्केट, बंगाली मार्केट, और मैंने जाना अब अपने होटल की तरफ। तो ये बेसमेंट क्रॉस करने के बाद, अभी तो बंगाली मार्केट ये पीछे बेसमेंट में थी, अभी तो ये रोड पे आप चेक करना माशाल्लाह, मंजर चेक करें यार, सुभान अल्लाह। ये इन्होंने भी 1 रियाल की डील लगाई हुई है, 1 रियाल में कुछ भी बाय करो। हमने सारे कबूतर उड़ा दिए भाई। इनको तंग करने के लिए माजरत। तो अच्छा जी, अब आए थे मेन चीज़ों के, वो 15 रियाल की जैनमाज दे रहे थे, मैंने आगे से जा के ली थी, वो तकरीबन मुझे मिली थी 10 रियाल की, और उससे अच्छी जैनमाज थी। तो आप बार्गेनिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हो प्यार मोहब्बत के साथ।
ये देखें ये सारी मार्केट आ गई। जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे रेट कम होते जाएंगे, क्योंकि करीब होंगे तो रेट का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, आप जय नमाज यहाँ से लें, उससे बेहतर आप थोड़ा आगे जाके ले लें और वहाँ पे प्राइसेस भी आपको लेस मिलेगी। अगर आप ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हो ऑब्वियसली आपको बेहतरीन किस्म का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारा रोड मार्केट से भरा हुआ है माशाल्लाह। मैं फिर वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मे भी कुछ लोगों को इस मार्केट का बताओ, लेकिन मेरे लिए न्यू थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ। तो थैंक यू सो मच, लाइक लाजमी कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा जो नए लोग। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।